दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं, परंतु बिहार के जो उनके पार्टी के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। वजह क्या है वह हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक पोस्टर दिखाते हैं। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, एक पोस्टर है, पृथ्वी राज के विचारों से असहमत हो सकते हैं, और उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है, जबकि नीचे लिखा हुआ है पर जयचंद बनाना स्वीकार नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का भी तस्वीर है, इसको लगाने वाले विकास कुमार ज्योति जी हैं, जो पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर प्रधानमंत्री बनाने की बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किए थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी, उस समय इन्होंने बड़े पोस्टर लगाए थे, और उस समय उन्होंने विकास ज्योति ने कहा था कि नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल का के साथ जाना बिल्कुल सही नहीं है, उसका ये विरोध किए थे। आज जब अरविंद केजरीवाल जेल से सत्ता चला रहे हैं तो इसका भी ये विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों नाराजगी? हम उनसे बात करेंगे। विकास जी, नाराजगी क्यों? यही तो बता रहे हैं कि अभी तक बिहार में अध्यक्ष तक नहीं मिला नेतृत्व से। नाराजगी का अगर जरा सा कारण आप पूछ रहे हैं तो 10 सालों को बिहार में अध्यक्ष तक नहीं मिला। पार्टी कार्यकर्ता जो झंडा लेकर के मरा, आप ही बता रहे हैं कि हमने उनको प्रधानमंत्री तक का उम्मीदवार बताया, हमने घोर लड़ाई लड़ी, लेकिन मिला उसके लिए क्या? आज के समय में हम लोगों को बता दिया कि आप कांग्रेस का राज, माता सोनिया गांधी का झंडा उठाइए, आरजेडी का झंडा उठाइए, बेच दिया गया, थोक भाव में कार्यकर्ताओं को बेच दिया गया। नाराजगी की वजह यही है। आज आप पूछ रहे हैं ना कि कार्यकर्ता पद क्या है, जब पार्टी का संगठन ही यहां खड़ा नहीं किया गया, पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक को लाइन में खड़ा कर दिया गया है कि आप जा करके भीख मांगिए, आरजेडी से भीख मांगिए, आप कांग्रेस पार्टी से। आज यही स्वाभिमान न चोट खा रहा है। कितने दिनों से पार्टी में बने हुए हैं? बता तो रहे हैं कि लगातार हम लोग 5 सालों से पार्टी में बने हुए हैं। क्या हुआ आज? आप आज ये बात हो जो आप पूछ रहे हैं, आज हमारे वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, सभी से पूछिएगा वो क्या बताएंगे। पार्टी में किसी को नाम तक नहीं दिया गया, पार्टी का संगठन तक नहीं। किसके भय से? आरजेडी के भय से? किसके भय से? कांग्रेस के भय से? बंगाल में आप ममता बनर्जी के भय से? किसके भय से? जहां पे आप अपने संगठन को नाम तक नहीं दे पा रहे हैं, आखिर किसका डर है ये तो बताइएगा ना। आखिर कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करे? आज 10 सालों से बिहार में संगठन नहीं है, इसका क्या रीजन क्या है कोई तो जानना चाहेगा। दिल्ली की जनता में कभी वो देखने को नहीं मिला, सभी लोग बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो कभी विरोध नहीं कर रही। नहीं, दिल्ली की जनता की जहां तक सवाल है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। सवाल इस बात पे नहीं है, सवाल है कि मनीष सिसोदिया भी जेल गए थे, सत्येंद्र जैन भी जेल गए थे, तो वो दोनों का इस्तीफा तुरंत ले लिया गया था यही अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो आखिर आप इस्तीफा क्यों नहीं? पार्टी में दो तरह की नीतियां क्यों? फिर सत्येंद्र जैन का और अरे मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा क्यों लिया गया था? ये पार्टी में एक विचार होना चाहिए था ना। आप शुरू में बताए थे कि अध्यक्ष पद 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलेंगे। आप लगातार पार्टी संगठन के जो अध्यक्ष हुआ है उसके बाद से लगातार आप अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, उससे भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज मुख्यमंत्री के बाद भी सुनीता केजरीवाल जी को आप आगे कर दिए हैं, कल के डेट में वही मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय है। तो आखिर कब तक एक लोकतांत्रिक पार्टी को आप जो इस तरीके से कर रहे हैं, कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या लग रहा है कि बिहार का जो आरजेडी का फॉर्मूला है अरविंद केजरीवाल क्या होगा? लाइन तो वही है, लाइन तो वही है। तो भाई जो कांग्रेस से लड़कर के पार्टी पैदा ली, जो जन आंदोलन से पार्टी पैदा लिया, जिसके कार्यकर्ता बाहर से नौकरी छोड़ छोड़ करके आ गए, जो आपके नाम पे पागल हो गए, कितने लोगों के घर परिवार उजड़ गए आपके चक्कर में, आज आप उसके साथ फिल्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब पोस्टर आप लगा रहे हैं, इसमें एक चीज हमें समझ नहीं आ रहा है, आप ही बता दें, मोदी जी की तस्वीर और अरविंद जी की तस्वीर, ठीक है, तो दो अलग अलग है, पृथ्वी राज के विचारों से असहमत हो, क्या ये जो आप लाइन दिए हैं मोदी जी के लिए दिया है क्या? वो तो बिल्कुल मोदी जी की तस्वीर क्यों लगाई? बिल्कुल पृथ्वी राज से तुलना मैंने किया है और मैंने बताया है कि पृथ्वी राज के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उसके विकल्प तो में जयचंद को जयचंद उनको नहीं बताया। जयचंद मतलब कोई भी अगर दूसरा जयचंद बनता है, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार केजरीवाल जी थोड़े है, कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री जो जयचंद के रूप में, वो स्वीकार मुझे नहीं। यानी सुमित केजरीवाल को आप जयचंद
मान रहे हैं? नहीं नहीं, सुनीता केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपके नजर में जयचंद कौन है? जयचंद के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अभी आपने कहा कि सुनीता केजरीवाल आ रही है, वो स्वीकार नहीं, वो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं की इज्जत होनी चाहिए, जितनी भी विधायक हैं उसमें से किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जिस तरह से बागडोर दिया जा रहा है वो एक सीएम फेस के तौर पर, और केजरीवाल साहब का जितना पावर है वो ट्रांसफर किया जा रहा है उनकी पत्नी को, ये स्वीकार। संजय जी वही हैं जो धृतराष्ट्र के समय में संजय मिले थे, वही संजय इन्हें भी मिले हैं, और वही आतिशी मारेला जो है वही मंत्रा है जो उस समय मिले थे, और ये दोनों के चक्कर में ही पूरी पार्टी का सत्यानाश जो है वो 15 जून के पहले जो है होना है। लगभग 35 विधायक उनके ऐसे हैं जो पार्टी को 15 जून के पहले छोड़ेंगे। मैं किसी भी बात को बताता हूं तो ऑथेंटिक प्रमाण के साथ बताता हूं। जिस समय मैं आपको वाइट दिया था, आप याद कीजिए पटना की बैठक में, कि एक महीने के बाद नीतीश कुमार जी छोड़ करके भागेंगे, आप लोगों भी आश्चर्य व्यक्त हुआ था, क्या एक महीना के बाद नीतीश जी छोड़ करके नहीं भागे थे क्या? जब भी मैं बयान दिया हूं तो ऑथेंटिक प्रमाण के साथ दिया हूं, कभी भी मीडिया में अलूल जलूल आकर के बोलने की मेरी आदत नहीं रही। आप तो नाराज हैं तो साफ भी कह, एक लाख सवाल है, आप चाहते क्या है? चाहते हैं बस यही, अब चाहते हैं कि जो देश जीत रहा है, देश जीत की ओर अग्रसर है, नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र भाई मोदी जी अब कुछ ही में जीतने वाले हैं, तो भाई अब सब लोग मतदान प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को ही किया जाए। यहाँ कोई अफगानिस्तान न बनने दे, यहाँ कोई पाकिस्तान न बनने दे, अब विकल्प जो है जो मजबूती के साथ जब देश रहेगा तो राजनीति भी करेंगे। आप बीजेपी क्यों जा रहे हैं? ना तो क्लियर है भाई, ना मैंने पोस्टर में लगाते हैं मोदी जी की, कभी मैंने ये नहीं किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी की बिल्कुल शुभकामना, जनता से अपील करते हैं, बिल्कुल शुभकामना, बिल्कुल शुभकामना। ना मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, ना उनका पार्टी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैंने एक लाइन लिखा है, वो लाइन को समझिए, जिसमें पृथ्वीराज के समय भी यही हुआ था कि हमने विकल्प के रूप में गौरी को और जयचंद को चुना था, उसकी प्रतिफल हुआ कि आप 500 वर्षों तक आपने गुलामी झेला, 500 नहीं 1500 वर्षों तक आपने गुलामी झेला है, आज भी वही वक्त है। आप अपनी पार्टी से क्या चाहते हैं? अपनी पार्टी से तो जो मांग थी मैंने आप लोगों के माध्यम से रखा ही कि किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनीता केजरीवाल को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फिर आरजेडी में और हमारी पार्टी में क्या अंतर है? तो ये विकास कुमार ज्योति जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ज्योति केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही जो भी कार्यकर्ता है, इन्होंने दावा भी किया कि 35 ऐसे विधायक हैं जो कि जून महीने में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पृथ्वीराज चौहान की तुलना किया है कि अगर से पृथ्वी जिस तरह से विकल्प ढूंढा गया था, अगर वह विकल्प ढूंढा जाता है तो वही स्थिति होगी जो उस समय हुई थी। क्योंकि पंकज के साथ परमानंद सिंह, एमएफ न्यूज़, पटना।